हेलो स्टूडेंट्स आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन केनिस एजुकेयर टुडे वी आर लर्निंग अबाउट सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम दिस चैप्टर इज फ्रॉम योर नाइन्थ मैथमेटिक्स अब तक हमने क्यूब क्यूबॉइड एंड सिलेंडर इनका कर सरफेस एरिया क्या होता है लैटरल सरफेस एरिया एंड कर सरफेस एरिया देन हमने टोटल सर्फेस एरियाज देखा तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कर सर्फेस एरिया मतलब सरफेस एरिया लैटरल सर्फेस एरिया ऑफ द कोन क्या होता है द सर्फेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर कोन सो फार वी हैव बीन जनरेटिंग सॉलिड्स बाय स्टिकिंग अप कॉन्ग्रेन फिगर्स सो इंसिडेंटली सच फिगर्स आर कॉल्ड प्रिजम्स उसे हम क्या कहते हैं प्रिजम्स कहते हैं सो नाउ लेट अस लुक एट अनदर काइंड ऑफ सॉलिड व्हिच इज नॉट अ प्रिज्मीज का जो इस तरीके से सॉलिड्स होते हैं उसे हम कहते हैं पिरािड्स लेटस सी हाउ वी कैन जनरेट देम तो स्टूडेंट्स यहां पर एक एक्टिविटी है कट आउट अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी पेस्ट अ लॉन्ग थिक स्ट्रिंग अलोंग वन ऑफ द परपैंडिकुलर साइड से ए बी ऑफ द ट्रायंगल होल्ड द स्ट्रिंग विथ योर हैंड्स ऑन आई साइड्स ऑफ द ट्रायंगल एंड रोटेट द ट्रायंगल ओके मतलब क्या करना है इसे ट्रायंगल लेना है आपको इसे रोटेट करना है इस तरीके से तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा इस कोनीकल शेप ऐसे यहाँ पर मिलेगा

एंड बी सी कॉल द रेडियस एंड ए सी कॉल द स्लैंड हाइट ऑफ द कोन ओके तो ए सी देखिए यहाँ पर ये वाली इसे हम कहते हैं स्लैंड मतलब ये यहाँ पर स्लैंड हुई हुई दिख रहे हैं ना आपको ये ये वाली इसे हम कहते हैं स्लैंड हाइट और ये होती है यहाँ पर इस कॉन की हाइट ओके एच होती है एच हाइट और ये हो जाती है यहाँ पर स्लैंड हाइट एल ठीक है सो so स्टूडेंट्स S is called the slant height of the cone. Here B will be the center of circular base of the cone. The height, radius, and slant height of the cone are usually denoted by H, R, and L respectively. Once again, let us see what kind of cone we can not call as a right circular cone. Here you are see the key upper is a cone is right circular cone So, what you see in these figures are not right circular cones because. यहाँ पर देखिए इसका वर्टेक्स कहाँ पर है इस बेस के परपेंडिकुलर लाइन पे पर है क्या नहीं है सो दैट्स वाई इट्स नॉट ए राइट सर्कुलर कौन यहाँ पर भी देखिए इसका शेप यहाँ पर डिफरेंट है यहाँ पर इसका जो बेस है सर्कुलर नहीं है सो दैट्स वाई इट्स नॉट ए राइट सर्कुलर कौन As in the case of cylinder, since we will studying only about right circular cones, remember that by cone in this chapter we shall mean राइट सर्कुलर कोन मतलब हर जगह पर आपको अगर कोन आता दिखता है तो आपको वो राइट सर्कुलर कोन ही कंसिडर करना है तो स्टूडेंट्स एक्टिविटी देखिए यहाँ पर कट आउट अ नीटली मेड पेपर कोन दैट डज नॉट हैव एनी ओवरलैप पेपर स्ट्रेट अलोंग इट साइड एंड ओपनिंग इट आउट टू सी द शेप ऑफ पेपर दैट फॉर्म्स द सर्फेस ऑफ द कोन तो हमें डायग्राम जो है ऐसे दिखेगी मतलब एक कोन है उसे हमने कट आउट कट किया तो ये ऐसे समथिंग शेप में दिखाई देगा ओके okay?

ट पोर्शन अलमोस्ट अ स्मॉल ट्राइंगुलर ओके ट्राइंगल यहां पर बनेगा हुई दलैंडल ऑफ द कोन सो स्टूडेंट देखिए नाउ द एरिया ऑफ इच ट्राइंगल क्या हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई विथ बेस ऑफ इच ट्राइंगल एंड मल्टीप्लाई विथ एल ओके सो देखिये यहां पर ये समथिंग ट्राइंगल था ये वाला तो यहां पर इसकी हाइट क्या हो जाती है स्टूडेंट देखिए यहां पर सभी जगह पर देखिये ये यह होगी यहाँ पर इसकी हाइट एल स्लैंड हो जाएगी ना करेक्ट तो यहां पर बी स्मॉल uh, पर इसका बेस हो जाता है सो स्टूडेंट्स सो एरिया ऑफ द इंटायर पीस ऑफ द पेपर क्या हो जाएगा सम ऑफ द एरिया हाफ मल्टीप्लाई विद बी मल्टीप्लाई विद एल बी वन बी टू बी थ्री बी टू बी फोर इसे समथिंग सो हाफ एल मल्टीप्लाई विथ बी वन बी टू बी वन प्लस बी टू प्लस बी थ्री एंड सो ऑन सो हाफ मल्टीप्लाई विथ लेंथ मल्टीप्लाई ऑफ द इंटायर कर बाउंड्री सो देखिए स्टूडेंट्स कर्व पोर्शन यहां पर बी वन प्लस बी टू बट द कर्व पोर्शन ऑफ द फिगर मेक्स अप द पेरीमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कॉन करेक्ट ना यह क्या है पेरीमीटर है सो दैट्स वाई सरकम्फर ऑफ द बेस ऑफ कॉन इज इक्वल टू टू पाई आर सो वेयर आर इज द बेस रेडियस ऑफ द कॉन सो कर सरफेस एरिया ऑफ द कोन क्या हो जाता है हाफ मल्टीप्लाई विथ एल मल्टीप्लाई विथ टू पाई आर सो वी गेट पाई आर एल टू एंड टू गेट कैंसल सो यहां पर हमें मिल जाता है पाई आर एल सो वेयर आर इज द बेस रेडियस एल इज द स्लैंड हाइट

स्टूडेंट्स so इसी के साथ ही एग्जाम्पल नंबर फोर हम देख लेते हैं फाइंड द कर सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन हुज हुट हाइट इज टेन सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस इज सेवन सेंटीमीटर जस्ट फॉर्मूला में आंसर यहाँ पर वैल्यू पुट करना है आंसर निकालना है आर एल में वैल्यू पुट करिए पाई की वैल्यू ट्वेंटी टू बाई सेवन आर की वैल्यू सेवन एल की वैल्यू टेन सेवन सेवन गेट कैंसल ट्वेंटी टू मल्टीप्लाई टेन वी गेट टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी सेंटीमीटर स्क्वायर

So the curved surface area is equal to pi rl, so 3.14 because we pi ke value 3.14 D So that's why we put 3.14 multiply with 12, multiply with 20. So we get 753.6 centimeter square. Total surface area here pi r l plus pi r square. So 753.6 plus 3.14 multiply with 12, multiply with 12. So 452.16 and we get the final answer 1205.76 cm square.

तो बिकॉज उन्होंने क्या कहा है वन सेंटीमीटर जो सरफेस एरिया है उसमें कितने आते हैं फोर आते हैं सो दैट्स वाई हमें इसे uh, क्या करना पड़ेगा सबसे पहले हमें इसका कर सर्फेस एरिया पर लैटरल ये जो लैटरल सर्फेस एरिया है ये वाला हमें निकालना पड़ेगा सो जस्ट उसे हम निकाल लेते हैं तो वी कैन इजिली फाइंड आउट ओके सो स्टूडेंट देखिए सिंस अ ग्रेन्स ऑफ कॉर्न आर फाउंड ओनली ऑन द कर सर्फेस एरिया ऑफ द कॉर्न कॉब सो वी विल नीड टू नो द कर सर्फेस एरिया ऑफ द कॉर्न कॉब to find the total number of grains on it in this question we are given the height of the cone so we need to find the slant height so you is L we will formula L is equal to in root R square plus H square so we get 20.11 centimeter. So students therefore the curved surface area of the cone curve is equal to pi R L so 22 by 7 multiplied 2.1 multiplied 20.11 20 centimeter square so we get 132.726 centimeter square okay the so students number of grains of corn on one centimeter square of the surface of the corn curve is equal to four सो देअर फोर नंबर ऑफ ग्रेन्स ऑन द इंटायर सरफेस ऑफ द कॉपी क्या हो जाता है सो देर वुल बी अप्रोक्सीमेटली फाइव हंड्रेड एंड थर्टी वन ग्रेन ऑफ द कॉर्न ऑन द कॉप तो इसी के साथ ही आज का लेक्चर नंबर थ्री हम यहां पर एंड करते हैं तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू